देखो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो देखते हैं वो है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोलो या इंडिसेस, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। एक्सपोनेंट इंडिसेस में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से जाते हैं। सबसे पहला एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जो आता है हम लोग का वो है कि जैसे कि मान लो एक नंबर दिया हुआ है 72, ठीक है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो प्राइम फैक्टर, इसका फैक्टर्स अगर निकालेंगे तो इसको सबसे पहला यहाँ पे हम रफ कॉलम बना रहे हैं, ठीक है। रफ कॉलम में 72 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2, 2 से क्या होगा 36, 3, 3 से आएगा 1, 2, 3 से फिर 4, 2 से 2, मतलब यहाँ देखो 2 कितना बार आया, 3 बार, और 3 कितने बार आया, 2 बार। तो ये 72 को ब्रेक करेंगे अगर, तो ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 2 कितना बार आया, 1, 2, 3, तो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2। सिंपल बेसिक हम ब्रेक किए हैं बाय प्राइम फैक्टर, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इसी का एग्जाम्पल देखते हैं, 360, ठीक है। 360 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, 360 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 2 से अगर देखेंगे तो 2 1 ज़ा, ठीक है, 180, 2 से क्या होगा 90, 2 से होगा 45, फिर 3 से होगा हम लोग का 3 1 ज़ा 3, 515, 3 से होगा हम लोग का 5। तो ये कंप्लीट को 2 कितना बार है, 3 बार है, 3 2 बार है, और 5 1 बार है। तो 360 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5। तो ये बेसिक प्राइम फैक्टर हो, ये जो है हम लोग बेसिक एक्सपोनेंट यूज जो करते हैं वो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को एकदम सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो एक्सपोनेंट का बहुत सारे रूल्स एंड ऑल है, सारा कुछ बताएंगे। फिलहाल बेसिक फैक्टराइजेशन मेथड से ये है हम लोग का, प्राइम फैक्टर से उसका फैक्टर निकाल दिया क्या क्या है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, -4/5 का स्क्वायर। 4/5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एक चीज याद रखो, कभी भी किसी भी चीज का पावर में अगर इवन नंबर रहा, इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8 इस तरह का इवन नंबर अगर रहा, तो यहाँ पे साइन अगर अंदर में माइनस है तो एज इट इज यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस है, माइनस का पावर में क्या, इवन नंबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब क्योंकि ये क्या है हम लोग का 4/5 स्क्वायर, 4/5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4/5 दो बार है, तो दो बार है, इसको सॉल्व करके आएगा 16/25। वैसे ही हम लोग सेम क्वेश्चन में खाली पावर 3 देखते हैं, तो पावर 3 में क्या हम लोग का, -4/5 है, पावर क्या है 3, 3 क्या हम लोग का ऑड नंबर है, तो माइनस का पावर में अगर ऑड नंबर रहा तो माइनस को बाहर निकाल देते हैं। और 4 का क्यूब, 4 का क्यूब क्या आएगा, 4 का क्यूब होता है 64 डिवाइड बाई क्या होगा 125। क्यूब मतलब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 4 × 4 × 4 क्या आएगा 64, वैसे 5 × 5 × 5 क्या आएगा 125। देखो इस क्वेश्चन में -1 का पावर में क्या है हम लोग का, ऑड नंबर है, -1 का पावर में ऑड नंबर रहा तो ऑड नंबर में क्या होता था, हम बोले थे माइनस साइन को निकाल देते हैं। अब 1 का पावर एनीथिंग मतलब 1 को अगर 5 बार भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना है, 1 आना है, तो इसका आंसर क्या हो गया -1। सेम में खाली यहाँ पावर में हम क्या कर दिए, 14 मतलब -1 का पावर में 14, 14 क्योंकि क्या है हम लोग का इवन नंबर है, कभी भी माइनस का पावर में अगर इवन नंबर रहा तो वैल्यू क्या होता है प्लस, तो इसका क्या होगा वैल्यू क्या आएगा प्लस, और 1 का पावर 14 क्या होता है 1, तो इसका आंसर आ गया +1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का सेम टाइप में क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है -4 का क्यूब इंटू -5 का स्क्वायर। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में माइनस, देखो माइनस का पावर में फिर क्या आ गया ऑड नंबर, तो यहाँ माइनस साइन निकल जाएगा, तो -4 का क्यूब इंटू माइनस का पावर में क्या इवन नंबर, तो ये क्या होगा हम लोग का +5 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का पावर 3 क्या होता है 64, तो ये क्या लिखेंगे -64 इंटू 5 स्क्वायर क्या होगा 25। तो आंसर क्या आएगा प्लस इंटू माइनस होगा हम लोग का -64 × 25। अब देखो 64 × 25 क्या होगा हम लोग का करके देखते हैं, 64 × 25 ये आएगा हम लोग का -1600, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो है हम लोग का 25 स्क्वायर × -1 का पावर में 31। यहाँ देखो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 इंटू माइनस का पावर में फिर क्या आ गया ऑड नंबर, तो माइनस, और -1 का पावर में ऑड नंबर तो क्या होगा -1, तो इसका आंसर क्या आएगा -625। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, -1 का पावर में 9 है इंटू 2 का पावर 3 इंटू -3 का पावर में 3 इंटू -5।
अब देखो यहाँ सॉल्व करते हैं, माइनस का पावर में क्या, ऑड नंबर तो यहाँ माइनस साइन निकल जाएगा, तो क्या होगा -1 इंटू 2 का पावर 3 का वैल्यू क्या होगा 8, इंटू माइनस का पावर में फिर क्या आ गया ऑड नंबर, तो माइनस साइन निकल जाएगा, तो क्या लिखेंगे -3 का क्यूब इंटू -5, क्योंकि यहाँ माइनस कितने बार है, 1 2 3 है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक माइनस बचेगा, मतलब टोटल वैल्यू का आंसर क्या आना है माइनस। क्यों उस वे समझो, या अदर वे ये भी है कि 3 बार आ गया ना, माइनस कितना बार आ गया 3, 3 क्या है हम लोग ऑड नंबर, तो क्या होगा माइनस साइन बाहर निकलेगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 8 × 27 × 5 जो कि क्या होगा -108 1080। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देते हैं, -8² × -3² × -3 पावर में 4। तो देखो यहाँ पे माइनस का पावर में इवन इवन नंबर है, तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, पहले ही माइनस निकल जाएगा, तो क्या होगा यहाँ प्लस होगा, -3 पावर में इवन नंबर है, तो यहाँ भी क्या होगा +3² × -का पावर फिर इवन नंबर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा +3 पावर 4। ठीक है, अब 8² का वैल्यू क्या होता है 64, इंटू 3² क्या होता है 9, इंटू 3 का पावर 4 होता है हम लोग का 81। 3 का पावर 4 अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 3 × 3 3 × 3 3 3 क्या होता है 9, 3 3 9 और 9 × 9 81, मतलब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आना है। ठीक है, तो इसका टोटल सॉल्यूशन आता है 4 6 6 5 6 सबको मल्टीप्लाई करके।